बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ शिज़ा राना। अभी मैं बैठी हुई सोच रही थी और सोच क्या रही थी, अभी थोड़ी देर पहले की बात सोच रही थी और फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि मुझे ये आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, आपको भी बताना चाहिए। बात क्या है, अभी जब मैं आ रही थी, दरअसल अभी मैं मरी में हूँ, तो मैं आ रही थी, मुझे थोड़ा सा काम था, तो मेरी एक बातचीत हुई एक बाइकिया वाले भाई से। बात करने के बाद मुझे पता चला कि इनकी जो है ना क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा है, क्वालिफ़िकेशन मास्टर्स उन्होंने किया हुआ है और उसके बावजूद वो बाइक चला रहे हैं। और मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाइक चला रहे हैं और उसके ज़रिए अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि बाय राइडिंग बाइक या आप कितनी ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, दिन के 1000-1500-2000 कमा लेंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद। तो जब आपकी इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन है तो इतनी ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन के साथ आप स्किल्स क्यों नहीं सीखते? आप स्किल्स सीखिए, आप अपना अगर बाइक चला रहे हैं ठीक है, आपके घर के बहुत ज़्यादा बुरे हालात चल रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं तो आप चलाते रहिए, लेकिन आप इसके साथ थोड़ा सा स्किल सीखिए। आप रात को आ जाते हैं घंटा दो घंटा आप वीडियोज़ देख के आप स्किल सीखिए, क्योंकि जो स्किल सिखाई जाती हैं उसमें काम भी तकरीबन 10 से 15 मिनट का बताया जाता है। एक दो घंटे आप समझ लें कि अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो एक दो घंटे दे दीजिए। एक दो घंटे देने के बाद जब आप वो स्किल सीख जाते हैं, आप वो काम करते हैं, तो आप देखेंगे कि जो आप सारा दिन लगा के जो 1000-2000 रुपये कमा रहे हैं वो आप 5 से 10 मिनट में, आधे से एक घंटे में और 1 से 2 घंटे में भी कमा सकते हैं। तो मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को स्किल सिखाई जाएँ जिसके ज़रिए वो अर्निंग कर सकें। आप अपनी बाइकियाँ ना छोड़ें, आपने ठेला लगाया आप ना छोड़ें, आपकी थोड़ी सी क्वालिफ़िकेशन है तो आप उसके साथ भी जो है ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। मैंने अपनी वीडियोज़ में बहुत सारे तरीके ऐसे बताए हैं कि अगर आपकी मैट्रिक भी क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आपके पास मैट्रिक की भी सनद नहीं है, मैट्रिक का भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप उसके बगैर भी जो है अगर आपको थोड़ी बहुत सिर्फ इंग्लिश पढ़नी लिखनी आती है तो आप उसके साथ भी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये मेरा थोड़ा सा पैगाम था उन लोगों के लिए जिनके पास बिजनेस रन करने के लिए पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके पास जॉब नहीं है और वो फिर बेचारे जो है इस तरह के काम करते हैं। आई नो कि पाकिस्तान का जो हाल है वो ये है कि एक बंदा कमाने वाला होता है और 10 बंदे खाने वाले होते हैं, लेकिन जब आप ही कमाने वाले हैं और आपने ही खिलाना है और आपको इसके अलावा कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो आपके लिए बेहतरीन ये है कि आप अगर सारा दिन जो आप बाइकियाँ चला रहे हैं या आप कोई और काम कर रहे हैं तो आप साइड पे थोड़ा सा जो है ना ये वाला काम सीखना शुरू कीजिए। महीना दो लगेगा, अगर आप यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो इसमें भी कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती, आप कहीं पर भी बैठे बना सकते हैं, थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए, किसी भी टॉपिक के बारे में बना सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप फाइवर पर आ जाइए, फाइवर है, अपवर्क है, फ्रीलांसर है, यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और सर्विसेज ऐसी हैं कि इतनी आसान आसान काम है जो 5 से 10 मिनट में हो जाते हैं। आप अपना अकाउंट बनाइए, अच्छी सी स्ट्रॉन्ग सी गिग बना के छोड़ दीजिए, आपको जो है वो क्लाइंट खुद अप्रोच करेगा, सिर्फ इस तरह के काम है। आप अपने काम में कभी भी आपको ये नहीं कहती कि आप अपने जो लगी लगाई जॉब है आप वो छोड़ेंगे, आप अपना जो काम करें उसको छोड़ के एकदम से फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें, इसको हमेशा एज अ पार्ट टाइम शुरू करें और जब आपके इसके ऊपर कदम जम जाएं उसके बाद जो है ना आप इसको अपना एज अ फुल टाइम प्रोफेशन बना लीजिए। स्नोफॉल भी स्टार्ट हो गई है तो इंशाल्लाह मिलती हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और कहना मुझे यही है कि जो है ना मेहनत कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बहुत जल्द बहुत ज़्यादा कामयाब करेंगे।